आइए देखते हैं बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। बैतूल जबलपुर मेडिकल विश्वविद्यालय के कुलपति से कल विद्यार्थियों ने की मुलाकात। बैतूल जिले के नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने कल जबलपुर मेडिकल विश्वविद्यालय में पहुंचकर बताई अपनी समस्याएं। बैतूल पाथागेड़ा पुलिस चौकी ने 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दो आरोपियों को बगडोना से किया गिरफ्तार। मेडिकल के लिए दोनों को लाया गया बैतूल के जिला चिकित्सालय। बैतूल गोरखपुर एक्सप्रेस में चाकूबाजी कर तीन युवकों को घायल करने के मामले में जीआरपी पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। गोरखपुर एक्सप्रेस में सीट से सामान हटाने को लेकर हुए विवाद में आधा दर्जन युवकों ने बिहार के तीन युवकों की जमकर पिटाई कर दी। इस मारपीट में घायल युवकों को बैतूल के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना नागपुर से ट्रेन निकलने के बाद घटित हुई। आरोपी युवक भाग निकले हैं, जीआरपी पुलिस उनकी तलाश कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुकेश कुमार उम्र 18 वर्ष, रोहित कुमार उम्र 18 वर्ष और सूरज कुमार उम्र 17 वर्ष निवासी बासोपट्टी जिला वेस्ट चंपारण बिहार अपने चार अन्य साथियों के साथ गोरखपुर एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे, जो कि आनंदपुर से गोरखपुर जा रहे थे। तभी नागपुर से बैतूल की तरफ आते समय ट्रेन में सीट पर रखे सामान को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि बात हाथापाई तक पहुंच गई, जिसमें तकरीबन 6 से 7 लोगों ने मिलकर तीन युवकों के साथ जमकर मारपीट कर दी। बैतूल में श्री कृष्णा पंजाब सेवा समिति ने कल बुधवार को मंच पूजन कर रामलीला और दशहरा उत्सव की शुरुआत की। नवयुवक रामलीला मंडल के प्रमुख जीतू महस्की ने जानकारी देते हुए बताया कि बरहापुर मंडल की टीम 10 दिनों तक बैतूल के ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर प्रतिदिन विभिन्न प्रसंगों की प्रस्तुति देगी। इसके लिए रामलीला मैदान गंज पर भूमि पूजन किया गया है, जहां भूमि पूजन समाज के वरिष्ठ सदस्य हरवंश आहूजा पार्षद विकास प्रधान के द्वारा किया गया है। पंडित वेद प्रकाश शर्मा ने मंत्र उपचार किया है। इस अवसर पर श्री कृष्ण पंजाब सेवा समिति के अध्यक्ष कश्मीरी लाल बत्रा, हरिओम सतीजा, गुलशन कपूर, अमीरचंद झाम और शक्ति मदान आदि मौजूद रहे। बैतूल पचदार निवासी महिला अपनी दो बेटियों के साथ पहुंची बैतूल के कलेक्ट्रेट कार्यालय। जमीनी विवाद में परिवार के लोगों को लगातार मिल रही है धमकियां। धमकियों से परेशान होने के संबंध में बैतूल कलेक्टर से की शिकायत। मुलताई के बैतूल रोड पर अग्रवाल पेट्रोल पंप के पास अज्ञात कार की टक्कर से टूटा बिजली का खंभा। बिजली विभाग ने लगाया दूसरा खंभा। प्रभातपट्टन ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम माझरी में रिश्ते के भतीजे ने चाची को उतारा मौत के घाट, इसके बाद फरार हुआ आरोपी। मुलताई एसडीएम तृप्ति पटेरिया एवं निर्वाचन अधिकारी ने कल स्ट्रांग रूम और कमिश्निंग हॉल का किया निरीक्षण। व्यवस्था बनाने हेतु इस दौरान दिए गए निर्देश। मुलताई पुलिस थाने में दुर्गा उत्सव और आगामी दशहरा पर्व के मद्देनजर शांति समिति की बैठक का किया गया आयोजन। रात 11 बजे तक विसर्जन स्थल पर बूकाखेड़ी पहुंचेगी प्रतिमाएं। 51 फीट ऊंचे रावण का होगा दहन। मुलताई नगर के थाना परिसर में बुधवार को शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न दुर्गा उत्सव मंडलों के साथ साथ दशहरा उत्सव समिति के सदस्य भी शामिल हुए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि रात 11 बजे तक दुर्गा जी की प्रतिमा विसर्जन स्थल पर पहुंचा दी जाएगी, ताकि समय पर विसर्जन किया जा सके। वहीं दुर्गा मंडलों में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों का संचालन नहीं हो, इसका भी वचन लिया गया है। रात 10 बजे के बाद किसी भी तरह के डीजे साउंड का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा बिजली के स्थायी कनेक्शन लेने होंगे।
शांति समिति की बैठक में मुल्ताई तहसीलदार अनामिका सिंह, एसडीओपी सुरेश पाल सिंह, मुल्ताई थाना प्रभारी प्रज्ञा शर्मा, मुल्ताई सीएमओ आरके इवनाती सहित नगर पालिका के सभापति एवं विभिन्न दुर्गा मंडलों के सदस्य सहित डीजे संचालक उपस्थित रहे। आपको बता दें कि शीतला माता मंदिर में सुबह 4 बजे से ही महिलाएं जल चढ़ाने के लिए पहुंचने लगती है। ऐसे में पर्याप्त रूप से प्रकाश की व्यवस्था के संबंध में भी निर्णय लिया गया। बैठक में अधिकारियों ने सभी समिति के सदस्यों से आग्रह किया है कि विसर्जन के दौरान रात 11 बजे तक सभी प्रतिमाएं प्रतिमा विसर्जन स्थल पर पहुंच जाए। आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में रात 10 बजे के बाद डीजे का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद रहेगा। सभी को आदर्श आचार संहिता का पालन भी करना अनिवार्य है। आमला राप्ती सागर एक्सप्रेस ट्रेन में सीट को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद, विवाद के बाद 3 लोग हुए घायल। आमला की जीआरपी पुलिस ने 4 लोगों पर मामला किया है दर्ज। चिचोली असाड़ी गांव में स्वास्थ्य विभाग ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। इस दौरान स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन। घोड़ा डोंगरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोड़ोंगरी में एनीमिया मुक्त युवा अभियान को लेकर कल बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में बड़ी संख्या में नजर आए सभी स्वास्थ्य कर्मचारी। घोड़ा डोंगरी चोपना में मोटर बंद करने को लेकर हुए विवाद में एक बुजुर्ग के साथ 4 लोगों ने कर दी मारपीट। मारपीट के बाद बुजुर्ग हुए गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने करवाया पीड़ित बुजुर्ग का मेडिकल। भैंसदेही ग्राम माथनी में शराबी पति ने पत्नी के साथ की मारपीट। भैंसदेही पुलिस ने पीड़ित महिला का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कल करवाया मेडिकल। भीमपुर पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री श्री राहुल चौहान ने दामजीपुरा में की प्रेस वार्ता, कहा भैंसदेही विधानसभा से लड़ रहे हैं वो निर्दलीय चुनाव।